सो एज एन इंडिया क्रिकेटर एंड एज अ क्रिकेट यूट्यूबर आपको लगेगा कि शायद मेरे पास काफ़ी सारे बैट्स हैं ना। एग्जैक्टली कितने बैट्स हैं, कौन कौन से बैट्स हैं और हर बैट के पीछे की बैक स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं स्नेहल प्रधान, इंडिया क्रिकेटर और आपकी ऑनलाइन क्रिकेट कोच। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करते हो इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट टिप्स के लिए। एंड आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर बिफोर वी स्टार्ट। इट डजंट मैटर कि आपके पास कितने बैट्स हैं, इट डजंट मैटर कि वो बैट का विलो क्या है, इट डजंट मैटर कि आपके पास कितने महंगे या कितने सस्ते बैट्स हैं। टू इम्प्रूव योर क्रिकेट ऑल यू नीड इज वन सिंपल बैट, वो बिल्कुल रस्ते से ली हुई बैट हो सकती है या इंग्लिश विलो महंगी हो सकती है, डजंट मैटर, वन बैट एंड टेनिस बॉल्स। इनफैक्ट मैंने एक पूरा गाइड बनाया है हाउ यू कैन इम्प्रूव योर बैटिंग विद जस्ट अ बैट एंड टेनिस बॉल्स, जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ फॉर द फर्स्ट बैट, ओके फर्स्ट बैट इज दिस वन, अच्छे से खोल के देखते हैं इसे। फर्स्ट बैट हम देखने वाले हैं, जो बैट मैं करंटली यूज कर रही हूँ वो है एक जी बैट। नाउ दिस बैट is actually a Kashmir willow bat and I know आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इस बैट का रिव्यू मैंने क्यों नहीं किया है, पेंडिंग है, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, I promise you guys। So ये एक जी बैट कश्मीर विलो है एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज एक्चुअली जब जी बैट ने मुझे पहली बार कॉन्टैक्ट किया, दे सेंट मी अ कश्मीर विलो बैट। बहुत 10-15 सालों में मैंने कश्मीर विलो बैट यूज़ नहीं की थी, वाई दिस गाइज सेंडिंग मी अ कश्मीर विलो, पर इट एक्चुअली टर्न आउट टू बी सच अ गुड बैट इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक। आवाज से आपको पता चलेगा, नाइस क्वालिटी कश्मीर विलो, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी बैट निकली है। इसका डिटेल रिव्यू डोंट वरी मैं करने वाली हूं, बट दिस इज बैट नंबर वन। बैक टू द किट बैग फॉर बैट नंबर टू। बैट नंबर टू, इस पे कोई लेबल नहीं है बट आई विल टेल यू दैट दिस इज अ स्पार्टन कंपनी की बैट। ये बैट मैंने एक्चुअली रिव्यू की थी इस वीडियो में। इनफैक्ट हर बैट जो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, इफ़ आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट इट, मैं उस वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगी। देयर विल बी अ फुल प्लेलिस्ट टू शो यू ऑल द वीडियोस अबाउट प्रीवियस बैट्स। इस बैट का डिटेल रिव्यू मैं कर चुकी हूँ। इंग्लिश विलो बैट है विद नाइस स्ट्रोक, स्लाइटली ऑन द हैवी साइड, मगर व्हाट आई लाइक कि इसका हैंडल ओवल है। फुल रिव्यू इसके बारे में उस बैट में है, बट ओवल हैंडल के बारे में मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। लेट मी नो कॉमेंट्स में आपको सेपरेट वीडियो चाहिए क्या, बट दिस स्पार्टन बैट इज बैट नंबर टू। बैक टू द किट बैग फॉर बैट नंबर थ्री। बैट नंबर थ्री पे लेबल तो है जी बैट का, बट दिस इज एक्चुअली अ बास बैट, वैम्पायर की बैट है। ये एक मेरी बहुत खास बैट है बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस बैट जब मैं इंडिया के लिए खेल रही थी। सो इंटरनेशनल मैचेस में मैंने इस बैट को यूज़ किया है, बट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बॉटम में एक बड़ा क्रैक था। इतना बड़ा क्रैक था कि आई डिडंट नो वेदर इट विल बी पॉसिबल टू रिपेयर इट। मैंने एक्चुअली जी बैट को भेजी एंड दे फिल्ड अप द क्रैक, stitched up the bottom and sent it back to me in beautiful condition. So एक beautifully balanced bat है, मुझे ये bat बहुत पसंद है। And if you want to see उसका पूरी story कि कैसे जी बैट ने ये destroyed bat, completely hopeless मुझे लगा नहीं कि ये bat use हो सकती है, they got it back into usable condition, तो ये video यहाँ पर आप देख सकते हो, link will be in the description. This is bat number 3, a vampire which has been refurbished by Z-Bat. So, मेरे current kit bag में 3 ही bats है, but that's not all the bats I have. In fact, let me know in the comments कि आपको क्या लगता है कि कितने bats होंगे total में, take a guess. पर kit bag में फिलहाल एक छोटी bat भी है, this is like, it looks like a toy bat, क्योंकि ये kids bat है. Z-Bat की kids size 2 bat है, जो मैंने review की थी, that video also you will find in the description, मगर ये मेरी bat नहीं है. If I want my other bats, I have to look at my old kit bag which is put up there, और इसमें से अभी निकालने हैं bats. Bat number 4 जो मेरी पुराने kit bag में से आई है is a blank bat, but I will tell you कि ये एक LVR bat है, इसके stickers मैंने कुछ काम के लिए निकाले थे. इस video, इस bat का मैंने पूरा review किया था, detailed review of the LVR bat, जो खास टेनिस बॉल के लिए यूज होती है। आवाज में फर्क आपको समझ में आ रहा है, दिस इज नॉट एन इंग्लिश विलो बैट, दिस इज अ कश्मीर विलो, पर इवन मेरी जो जी बैट कश्मीर विलो है, जस्ट कंपेयर,
और ये एलिवर कश्मीर विलो टेनिस बॉल बैट, यू कैन टेल कि जो टेनिस बॉल का वुड है वो बहुत अलग है, जो कश्मीर विलो का वुड लेदर बॉल के लिए है वो उसकी क्वालिटी बहुत अलग है। सो दिस इज बैट नंबर 4 जो इस वीडियो मैंने बनाया था, डिटेल्ड रिव्यू यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। पांचवी बैट, इट्स नॉट ओवर येट, पांचवी बैट है एक वैम्पायर की बैट। यू कैन सी इसके स्टिकर्स निकल चुके हैं, पीछे से थोड़ी डैमेज हो चुकी है, आगे से द स्टिकर्स तो निकल गए हैं बट इवन द टो गार्ड इज लूज और जो इस पर टेपिंग है वो बहुत ऐसे बबल्स आ गए हैं। इट इज़ बेसिकली अ वेरी ओल्ड बैट, पर और एक बैट है जो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में यूज़ करती थी बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज स्पॉन्सर्ड बाई बास वैम्पायर। इंग्लिश विलो बैट है, बढ़िया बैलेंस है with a good sound, तो आपको पता चल रहा है कि you know Bass make good quality bats, I like their products, पर ये bat भी मुझे I think Z bat को भेजनी चाहिए साफ करने के लिए, refurbish करने के लिए, like this one. Anyways, this is bat number 5. Bat number 6 है और एक LVR की bat जिसके स्टिकर्स मैंने नहीं निकाले हैं। ये बैट उन्होंने मुझे भेजी थी विच आई हैड रिव्यूड बिकॉज दे सेड दिस बैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ टेनिस एंड लेदर बॉल। उनका जो स्पेशल हैंडल है वो भी इस पे दिखाई देता है एंड इस बैट का भी एक वीडियो बनाया था, डिटेल्ड रिव्यू यू विल फाइंड इन दैट वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड यू कैन सी कि आवाज़ काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू द अदर एलिवर बैट बट स्टिल एज कम्पेयर टू द इंग्लिश विलो बैट्स एक फर्क नजर आता है। लाइक दिस इज ओल्ड इंग्लिश विलो, सो वो डीपर साउंड है, वेर एज दिस वन जो टेनिस और लेदर दोनों पे यूज हो सकता है कहते हैं स्लाइटली हायर साउंड। सो प्योर इंग्लिश विलो बैट्स जो लेदर बॉल के लिए बनते हैं और जो टेनिस और लेदर दोनों के लिए बनते हैं उसमें से फर्क आपको समझ में आ रहा है, बट दिस इज बैट नंबर 6 एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस टू कीप इट। दिस इज द लास्ट बैट, बैट नंबर 7 और एक बास वैम्पायर की बैट एंड दिस वॉज अनदर वन ऑफ माई फेवरेट बैट्स जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट प्रोफेशनली खेल रही थी। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं ये बैट ले जा चुकी हूँ टूर्स पे, ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, लवली वेट, मगर एक्चुअली मेरे ट्रैवल्स में कहीं वो पीछे से डैमेज हो गई और आगे से भी थोड़ा सा स्टेनिंग हो गया। सो बट लुक एट द साउंड, अभी भी दिस इज प्रॉबली अबाउट 8 to 10 ईयर्स ओल्ड दिस बैट, फिर भी ब्यूटिफुल साउंड। ये बैट मैं डेफिनेटली जी बैट को भेजने वाली हूँ टू रिफर्बिश एंड मेक इट लाइक न्यू। पर ये है पूरा कलेक्शन, 7 इंग्लिश विलो बैट्स, 7.5 बैट्स अगर आपने वो वाला पकड़ा। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपकी फेवरेट बैट कौन सी है एंड पूरे डिटेल्स आपको इन बैट्स के बारे में देखने हैं। अगर आपको ये बैट्स खरीदने हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर वहाँ का पूरा प्लेलिस्ट देखना। एंड लाइक आई सेड, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी बैट्स यू हैव, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो आपके पास जो एक बैट है उसके साथ क्या करते हो, कैसे प्रैक्टिस करते हो। एंड आई हैव गिवन यू अ फुल डिटेल्ड गाइड ऑफ हाउ टू प्रैक्टिस फ्रंट फुट बैक फुट, इनफैक्ट उसके साथ आपके लाइफस्टाइल और आपके मेंटल ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग पे भी टिप्स हैं। सो मेक श्योर यू डाउनलोड दैट गाइड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। आई होप ये वीडियो देख के मजा आया। वेलकम टू क्रिकेट विद स्नेहल, इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना अगर यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर क्रिकेट।